ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ। 30 साल की एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी कर रेस्ट करने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म इस तरीके का कि पांव दोनों अलग साइड मुड़े हुए हैं, चश्मा तोड़ दिया है, आंखों से खून आ रहा है, इतनी बदतर हालत हमारी बेटियों की। 36 घंटे ड्यूटी देने के बाद एक डॉक्टर महिला जब आराम करने के लिए जाती है तो वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मामला जो है कोलकाता से सामने आया है। असल खास बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया बैगवर्ड क्लासेस यूनियन के सेक्रेटरी बैबर इकबाल जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे आखिर ऐसे दरिंदों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ माँ बाप जो है इंसाफ की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब कहीं ना कहीं CBI के पास जो है ये मामला चला गया है। पूरी जानकारी इनसे लेते, हुआ क्या था, किस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार से देखते हैं। देखिए, जय श्री राम सभी को। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं मेरे शहर की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं जिनके घर का एक ऐसा चेहरा जो पूरे विश्व भर में उनका नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा था, आज वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। RG Kerr मेडिकल कॉलेज कलकत्ता जी आज पूरे देश की सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है कि अगर एक महिला, अगर एक बेटी वर्किंग प्लेस में, वो वर्किंग प्लेस भी एक अस्पताल जहां पर जन्म होता है जी, जिसको दूसरा मंदिर कहा जाता है, अगर आज के समय में बेटियां वहां जो है सेफ नहीं है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेटियां कहां सेफ होंगी। 31 साल की एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे की अपनी ड्यूटी पूरी कर रेस्ट करने गई थी, उसके साथ दुष्कर्म इस तरीके का कि पांव दोनों अलग साइड मुड़े हुए हैं, चश्मा तोड़ दिया है, आंखों से खून आ रहा है, इतनी बदतर हालत हमारी बेटियों की। आप सबको बता देना चाहूंगा कि ये विश्वास करने लायक नहीं है जो कलकत्ता में हुआ है। सुनने में आया है कि CBI को जो है केस दे दिया गया है, पर इतने दिन बाद अभी भी ममता बनर्जी सरकार 18 दिन मांग रही है कि हमें 18 दिन का समय दीजिए। जब वो इंसान सबके सामने है जिसने ये कुकर्म किया है, जिसका नाम संजय रॉय है, जिसके ऊपर ऑलरेडी 5 केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स अगेंस्ट वुमन, असॉल्ट ऑन हिज ओन प्रेग्नेंट वाइफ और मोलेस्टेशन ऑफ अ फीमेल डॉक्टर जैसे केसेस मौजूद हैं। और जो इंसान, जिस इंसान की पत्नी ने उसके ऊपर मोलेस्टेशन का केस डाला है, वो बाकी महिलाओं की इज्जत किस तरह कर सकता है? और ऐसे दरिंदे हमारे समाज में खुलेआम क्यों और कैसे घूम रहे हैं? किसकी नाकामयाबी है कि एक इंसान जिसके ऊपर मोलेस्टेशन जैसे बड़े बड़े केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं और वो भी मोलेस्टेशन एक फीमेल डॉक्टर का किया हो, जहां पे वहीं जो है अस्पतालों में वो आदमी घुस रहा है एक फीमेल डॉक्टर के साथ जिसकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, जिसका पूरा भविष्य भी बनाना जो है बाकी था, जिसके पेरेंट्स को उसके ऊपर फक्र था, वो जो है लोगों की सेवा, जन कल्याण का काम कर रही थी, उसके साथ उसी के वर्क प्लेस अस्पताल में ऐसा होता है। कौन जिम्मेदार है? क्या ममता बनर्जी सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती है? क्या जो PG Kerr जो मेडिकल कॉलेज है उसके जो प्रबंधक है वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आज जिस डेमोक्रेटिक 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 नेशन की हम बात करते हैं, आजादी का महोत्सव हमने कल बनाया, तो हमने ऐसी आजादी क्या करनी है जहां पर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने ही वर्क प्लेस पे जो है सेफ नहीं है? कार भी किस प्रकार से होनी चाहिए, आखिर पता कैसे चला, मुजरिम कैसे पकड़ा गया, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, मुजरिम हमारे सामने है, कुछ CCTV वीडियोस जो बाहर थी वहां पे वो आदमी जाता दिखा है। जब हमारे सामने वो आदमी मौजूद है, उसके पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता है कि वो कर सकता है। ब्लूटूथ एक मिली गई है, क्या जब देखा गया तो क्या था उसमें? देखिए, मैं आपके चैनल पे वो पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मुझे वो क्लैरिफिकेशन देते हुए भी शर्म आ रही है। कहा जा रहा है कि ब्लूटूथ मिली है? पूरा देश, ये सारे जितने भी जो छोटे से बड़ा, जितने भी जो छोटे छोटे क्लूज थे, पूरा देश उसको जो है बड़े बड़े मीडिया चैनल के माध्यम से देख रहा है। क्या लगता है पर रियासी की जनता को मैं बता देना चाहूंगा, कुछ मुद्दे आज हम जो है सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कोई भी को वर्क स्पेस हो,
कोई भी कोवर्क स्पेस हो वहां का एक भी कोना ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज, सीसीटीवी कैमरास हर एक इंस्टीट्यूशन में मैंडेटरी कर देने चाहिए, एक भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं रहना चाहिए। अगर जो इंस्टीट्यूशन सीसीटीवी कैमरास मैंडेटरी नहीं करता है उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। और आज जो है देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी एक पर्सनल अपील है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह अरब देशों में कानून है कि जो ऐसा काम करता है उसको वहीं फांसी दी जाती है, आज हमारे भारतवर्ष को भी, अगर हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वुमन एम्पावरमेंट को और एम्पावर करने के लिए हमें ऐसा कानून देश में लाना पड़ेगा कि ऐसा कुकर्म कोई भी अगर करता है उसको फांसी की सजा 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ कर दे देनी चाहिए। क्योंकि पहले ये निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, आज ये डॉक्टर एम कांड जो है कलकत्ता में हुआ, कल को हमारे शहर में भी हो सकता है, कल को किसी आज किसी की बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बहू बेटी बहन के साथ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कानून देश में लाना बहुत आवश्यक हो चुके हैं, क्योंकि जब तक हम इंडिपेंडेंस का, आजादी का ढंका पीटते रहेंगे, आजादी असल मायने में उस दिन मिलेगी जब रात के 2 बजे भी हमारी बहन माँ बेटी देश की सड़कों पर निडरता से जो है चल पाएंगी। असली मायने में आजादी तब मिलेगी जब ये कोवर्क, जो कोवर्क प्लेसेस हैं वहां पे हर कोई आपस में भाईचारा प्रेम के साथ काम करेगा और ये दुष्कर्म का जो मामले हैं हमारे देश में बंद करे होंगे। आज भी जो सरकारी रिपोर्ट्स कहती है हर सेकंड किसी ना किसी बेटी का जो है किसी का के साथ कुकर्म होता है, और आज भी देश में जो न्यायालय है 90% केसेस पेंडिंग रह जाते हैं। हमें जुडिशरी अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है, हमें कोवर्क स्पेसिस के लिए कुछ ऐसे नए नए जो है तरकीबों की भी ज़रूरत है, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज जो है मैंडेटरी करना हो, चाहे 24/7 हमें जो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी अलाउंस देना हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस लाती हैं। अगर यही डिफरेंसेस आज हमारे देश में मौजूद होते, सीसीटीवी कवरेज एरियाज होते, हर जगह वुमेन की सेफ्टी के लिए जो है कैमरास लगे हुए होते, वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स इंचार्जेस होते, तो आज ये मामले हमारे देश में नहीं आते। सरकार को इसमें जो है बीच में आना पड़ेगा, और ममता बनर्जी सरकार की ये जो इस चीज़ को दबाने की कोशिश है और इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश है, इस चीज़ को जो है केंद्र में बैठी सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि ये दूसरी बड़ी मिसाल है देश में, जब आज पूरे देश के अंदर जो है लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हर कोवर्क स्पेसेस में जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है सीबीआई के पास केस चला गया, इंक्वायरी अच्छे से होगी। देखिए सीबीआई एक जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनसे पूरी जो है उम्मीद है कि इंसाफ, देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इंसाफ की मांग। और आज पूरा देश, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहूंगा कि इंसाफ की मांग इसलिए करनी होगी क्योंकि आज उस गरीब परिवार की वो बाप जो 3 घंटे प्रशासन और पुलिस से अपनी बेटी का चेहरा देखने की मांग करता रहा, आज उस परिवार के साथ हुआ है, क्या कल हमारे साथ नहीं हो सकता? क्या उपाय करने पड़े, हमें करने चाहिए ऐसे दरिंदों को समाज से खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ा जो है, मैं अब फिर से कहना चाहूंगा, जो अरब देशों में कानून है ऐसे कुकर्मों के लिए हमें अपने देश में लाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो दरिंदे हैं ऐसे हमारे देश से खत्म नहीं होंगे। हमें साथ मिलकर ऐसे कानून लाकर इन दरिंदों को खत्म करना पड़ेगा। शुक्रिया मास्टर बात कर, जय हिंद जय भारत। तो मैं यही चाहूंगा कि उनके परिवार को जो है इंसाफ मिलना चाहिए।